हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज हम लोग एक इन्वेस्ट अवेयरनेस या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग काइंड ऑफ एपिसोड मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला। तो इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फैटका या फिर FATCA और CRS बेसिकली होता क्या है। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आजकल सब जगह पे मैंडेटरी हो गया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपके पास से कुछ डिटेल्स मांग के लेता है, जैसे आपका सिटीजनशिप कौन सी कंट्री का है, आप टैक्स पेयर, आप कौन टैक्स आप कौन सी कंट्री में पे करते हैं, ऐसे जो बेसिक डिटेल्स होते हैं, एड्रेस, पैन कार्ड वगैरह, तो वो एक फैटका फॉर्म के फैटसा या फिर फैटका फॉर्म के अंडर भर के लिए जाते हैं। और कुछ जगह पे ये CRS करके भी लिए जाते हैं या फिर सेपरेटली भी लिए जाते हैं CRS। तो फैटका का फुल फॉर्म है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, और दूसरा जो CRS है उसका फुल फॉर्म है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो फैटका का बेसिक रीज़न क्या है और ओरिजिनेशन क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकाले और बताता। तो सबसे पहले ये एक्ट जो है सन 2000 में अमेरिका में पास हुआ था, अमेरिकन जो एम्बेसी उन्होंने अमेरिका में जो लॉ है उसमें ये पास हुआ था कि इसके अंडर उन्होंने ये इसलिए बनाया था कि बहुत सारे जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं या फिर जो अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस हैं जो फॉरेन के कंपनीज में उनका होल्डिंग ओनरशिप होल्ड करते हैं या फिर कोई सिटीजन बाहर जाके बिजनेसेस वगैरह करते हैं तो उनका जो टैक्स पेमेंट लगता है जो उनको अमेरिका में देना पड़ता है वो इवेड हो जाता है। वो अमेरिका की गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि उन्होंने कितना टैक्स देना चाहिए या फिर वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो वो पता करने के लिए अमेरिका से जिनका जिनका कनेक्शन है या फिर फाइनेंशियल वगैरह ट्रांजेक्शन होते हैं तो उन्होंने ये अबाइड किया है वो कंट्रीज़ को कि फैटका के अंडर उनको अमेरिकन सिटीजन्स का या अमेरिकन टैक्स पेयर्स का डेटा उनको लौटाना होगा या फिर देना होगा। तो ये 2010 से अमेरिका में शुरू हुआ था और 2014 अप्रैल से इंडिया में और 2016 से मोस्टली सब जगह पे मैंडेटरी हो गया। 2014 से तो सिर्फ म्यूचुअल फंड वगैरह में था, ओके, और ये मोस्टली अब सब जगह पे मैंडेटरी हो गया। और ये हो गया फैटका का, जिसके अंदर आपको सिटीजनशिप, टैक्स सिटीजनशिप, आपका एड्रेस, पैन कार्ड वगैरह वो सब देना पड़ता है कि आप अमेरिका के टैक्स लायबिलिटी है कि नहीं, या फिर आप जिस इंस्टीट्यूशन से बेनिफिट उठा रहे हैं या फिर जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन अमेरिका को टैक्स पेमेंट उसको बनता है या नहीं। और दूसरा जो है वो है CRS, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सेम फैटका जैसा ही है, मगर ये बाद में तैयार हुआ था या फिर सेपरेट तैयार हुआ था, जो कि OECD जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया था या फिर एंटिटी बनाई थी, उसके अंडर लगभग 50 से आई थिंक 90 कुछ कंट्रीज ने इस पर साइन किया था। और वो एक दूसरे का जो फाइनेंशियल डेटा है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक दूसरे को जो प्रॉपर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज प्रॉपर होना चाहिए, इसके लिए सेम ऑन द बेसिस ऑफ फैटका टैक्स इवेजन अवॉइड करने के लिए उन्होंने भी CRS कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। तो एक्चुअली ये एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल या फिर टैक्स रिलेटेड इन्फो शेयर करने का एक तरीका है। तो उसमें से एक है फैटका जो मोस्टली अमेरिका के लिए है, और जो CRS है वो बाकी अदर कंट्रीज एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट फैटका एंड CRS इन दिस एपिसोड। थैंक यू फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड।